अगर कोई भी आपको और परेशानी है तो हम जल्दी अब शिविर लगाने लग गए हैं, उन शिविरों का आप हिस्सा बनिए। उसमें आपको जो मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी योग की विद्या थी, योग के द्वारा तो भगवान को पाया जा सकता था। ये छोटी मोटी बीमारियाँ, ये जो दुख दर्द है, ये कैसे दूर हो, क्योंकि योग बहुत बड़ी साइंस है और जो हमारे वेदों में बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर हम वेदों का 10% भी हिस्सा करने लगें तो हमारे जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ सकता है। अब जो हमारे शिविरों के जो आगे विवरण जा रहे हैं तो आप अपने शहर में भी देख सकते हैं, तो उन शिविरों का हिस्सा बनिए और अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करिए। प्रियंका सिंह, द्वारिका सेक्टर 10। क्या तकलीफ थी आपको? मेरा मोटापा बहुत ज्यादा था। और यहाँ से कितने महीने दवाई खाई आपने? यहाँ से मैंने 3 महीने दवाई खाई। कितना वेट कम हुआ आपका? 3 से 3.5 किलो। अच्छा अच्छा। मोटाई की मोटापे पहले भी दवाई खाते थे क्या? बहुत बहुत किया, बहुत इतना ज्यादा किया कि बता नहीं सकते। वेट कम नहीं होता था? बिल्कुल नहीं कम होता। अब दवाई छोड़े कितने दिन हो गए आपको? हमको छोड़े करीब कोई 1 साल हो गया। तो वेट तो नहीं बढ़ा ना? नहीं, वेट नहीं बढ़ा, लेकिन अब सोच रहे थोड़ा और। तो भाई, मोटापा जो कि आज के टाइम पे लोगों के जी का जंजाल बन गया है, वो किस तरीके से दूर हो रहा है ये तो खैर बंसल जी बता सकते हैं, क्योंकि जब इनकी बाइट मैंने भी देखी तो मुझे लगा कोई और बीमारी बताएंगी, क्योंकि चेहरे से, हाव भाव से लग ही नहीं रहता कि इनको कभी मोटापा भी था ना। इनका तो बिल्कुल मुंह सूजा हुआ था, बहुत मोटी लग रही थी। मैं कहता अब तो तुम रोटी रही नहीं, अब तो तुम्हें पहचानते भी, बोले कई रिश्तेदार तो मैं पहचानते भी नहीं है। वो कहती तुम वो ही हो ना, उन्होंने बोला हाँ। तो इसका 3 किलो वेट कम नहीं हुआ, जो चेहरे पर फुलावट थी ना, सारे शरीर सूजा हुआ था इसका बहुत बुरा, और ये जहाँ पे भी इलाज कराती थी वेट नहीं कम हुआ इसका, 1 दिन भी 1 किलो भी वेट कम नहीं हुआ। इतना ढीट वेट था, मेरे ख्याल में 80 या 90 के लगभग इसका वेट था, मेरे को पक्का याद नहीं है, देखो मैं सच बताऊँ। लेकिन इसका चेहरा इतना मतलब एकदम स्लिम ट्रिम हो गया एकदम, और चेहरा ऐसा मोटा था बहुत ही ज़्यादा, करी थी मेरा जैसे फोटो कोई लेता था ना, ऐसा लगता था जैसे मैं 50 साल की हो रही हूँ, मतलब ऐसा कहती थी। और क्योंकि हमारा वैदिक उपचार रखा, अरे 1 साल पहले लिया था, आज नहीं लिया, देखो आपके सामने था, 1 साल पहले लिया था, ये तो 1 साल बाद मेरे पास आई है। और निबली जी, आपका वैदिक उपचार लेने से मेरा 3.5 किलो वेट कम हुआ, जो कि कभी जिंदगी में कम ही नहीं हुआ था। लेकिन मेरी सारी सूजन उतर गई, मेरा फुलावट ये सारी कम हो गई। वो बता रही, कई बार शर्मा जाती ना लेडीज, अब ये भी समस्या होती है। अब फिर निबली मैं और घटा, मैं कहा अब और क्या घटाओगे, अब तो है ही नहीं आपके पास वेट। अब फिर बोली निबली नहीं, मैंने फिर भी वेट घटाना, इसके अंदर फुलावट थी एक्चुअल में, वेट इतना ज़्यादा नहीं था, फुलावट बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसी लगती थी बहुत ज़्यादा फूली हुई थी। तो क्योंकि हमारा उपचार ही मैं कह रहा हूँ इतना ज़बरदस्त, इसलिए मैं ज़बरदस्त बार बार क्यों कहता हूँ कि ये 1.5 साल के बाद ना, तो आदमी कोई बात था कहीं 1 साल के बाद फिर दोबारा आई है। बोली जी मैं सोचती थी आ जाऊँ चली जाऊँ, कहा जाऊँ चली जाऊँ, और मैं आपकी 3 महीने की मतलब 3 महीने मतलब कोर्स किया था। माँ जी क्यों नहीं किया आपने? हमने तो 6 महीने बताया था, वैसे भी 6 महीने हम बताते हैं। बोली जी बस कुछ कारण से रह गया था, मैं सोची थी अब घटता चला जाए, मेरी सूजन जैसे जैसे उतरती गई मेरा आराम पड़ता गया। इसलिए मैं कहता हूँ वैदिक उपचार का जो सेट वेट घटाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, और जो भी वेट लेडीजों का बढ़ रहा है या पेट बढ़ रहा है, पेट पर ठंडी पट्टी जो हम बताते हैं वो करेंगे तो कमाल अपने आप ही होगा। आप खुद देखोगे अपने चेहरे को, मैं कह रहा हूँ आज फोटो ले लो और 3 महीने बाद ले लेना। चलिए जी, कॉलर हमारे साथ है रमेश जी छत्तीसगढ़ से। रमेश जी स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार रमेश जी, बताएं सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार, थोड़ी तेज आवाज बोले रमेश जी। मेरा ऐसा है कि लगभग 6-7 साल से मुझे टीवी की भी है। हाँ जी। तो बहुत इलाज करवा चुका हूँ लेकिन अभी तक मैं ठीक नहीं हो पाया हूँ, और चल फिर भी नहीं सकता मैं, एक पैर फिर विकलांग भी हूँ। और देखो रमेश जी कितनी बुरी स्थिति है, कितनी बुरी स्थिति है, आप इतने दिन से इलाज करा रहे हो लेकिन आराम नहीं पड़ा। तो हमारा प्रोग्राम कब से देख रहे हो सर? लगभग 1-1.5 साल हो गए सर आपका प्रोग्राम देख। तो वैदिक उपचार मंगाया आपने? मेरा स्थिति बहुत ही खराब है भैया। अंग्रेजी इलाज कर रहा होगा, स्थिति तो वो भी तो खराब कर रही है आपकी, अभी ऐसी स्थिति कर दी आपकी, हालत ही बुरी कर दी। अब मेरा वैदिक उपचार इसलिए तो मेरे कर दिया, पहले तो पहले नहीं मंगा पाएगा क्योंकि 3600 का या 6000 रुपये का व्या करता, अब तो इसीलिए तो किया है मैंने आप जैसों के लिए, तो सर इसीलिए किया आप जैसों के लिए, तो का मंगाओ और फिर लाभ लो। मंगा लीजिए भाई, मंगा लीजिए, एक बार फिर कहा जा रहा है वैदिक का उपचार जो दिया जा रहा है रुपये में, उसको प्लीज़ ऑर्डर करके मंगा लीजिए, क्योंकि मैं अगर ये कहूँगी कि लाभ देगा तो आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। हालांकि यकीन तो आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम आप लोगों को बाइट सुनवा रहे हैं लोगों की,
उस तरीके से। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ये लोग बोलते हैं कि वैदिक उपचार मंगा लीजिए, तो आप एक बार ऑर्डर कर लीजिए, बस एक एक ऑर्डर कीजिए, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों बोलते थे बार बार कि वैदिक उपचार मंगा लो मंगा लो मंगा लो। मात्र में दिया जा रहा है ये किट, इसलिए की है, पहले क्यों नहीं की थी, अभी क्यों की, अभी इसलिए की ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। हमारे पास काफ़ी सारे लोगों के कॉल आए जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो नहीं इतना पैसा खर्च कर सकते थे कि 6,000 रुपये की हमारी किट मंगवाएं या 3600 रुपये वाली किट मंगवाएं, लेकिन अब ये कर दिया गया है का ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ उठाए। आप इसको ऑर्डर कीजिए और इसका लाभ खुद ब खुद अपनी आंखों से देखिए, डिटेल आपके सामने है, अभी आप ऑर्डर कीजिए। कॉलर हमारे साथ हैं जसविंदर जी कैथल हरियाणा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हेलो जसविंदर जी, आप सुन पा रहे हैं तो बताएं, सवाल कीजिए बंसल जी से। लगता है संपर्क के साथ हमारा नहीं हो पा रहा है। जिन लोगों का संपर्क टूट जाता, मान लीजिए जसविंदर जी हमें फोन कर रहे होंगे किसी भी परेशानी के समाधान के लिए, तो मैं उनसे भी कहूंगी कि वैदिक अमृत मंगवा डालो, क्योंकि आपकी हर बीमारी का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है वैदिक अमृत। अच्छा एक सवाल और मैं यहाँ से पूछना चाहूँगी, वैदिक उपचार माफ कीजिएगा, वैदिक उपचार मंगा लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क आप कीजिएगा, नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। अच्छा एक सवाल का जवाब आपसे पूछना चाहूंगी, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एलोपैथी की टेबलेट ले रहा है अपनी परेशानी के लिए और अब वो वैदिक उपचार मंगाता है, तो क्या करे, उसको छोड़ दे, ये शुरू कर दे? ना ना ना, पहले तो स्टार्ट रखी पाएंगे, फिर धीरे धीरे जब आराम पड़ जाए तब अंग्रेजी दवाएं छोड़े, वो भी अपने डॉक्टर से पूछ के। वैसे छोड़ने की जरूरत नहीं थी, तो साथ साथ चलेगा ना। योग तो कोई भी कर सकता है, चाहे एलोपैथी खा रहा जब भी कर सकता है, प्राकृतिक जा जब भी कर सकता है, वो तो पूरा समावेश है उसमें तो हर एक चीज़ का। अब दिया तो कोई भी लगा सकता, चाहे एलोपैथी खाता खाता भी लगा ले, नेल्स पे तेल तो भी खा लगा, तो इसमें तो पूरा समावेश है वैदिक उपचार में, खाली दवाई दवाई नहीं है ये, तो मैं कह रहा हूँ हर चीज़ करते करते कर सकता है। और दर्शकों बार बार एक एक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों की बाइट सुना रहे हैं, बंसल जी खुद आपको हिदायत दे रहे हैं, एडवाइस भी आपको दे रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए, तो आप क्या सोच रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि आप लोगों को फ़ोन उठा लेना चाहिए और वैदिक उपचार आपको ऑर्डर करना चाहिए जो आपको दिया जा रहा है। में एक बीमारी होती है दमा, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर ये कैसे सही हुई, बंसल जी के मार्गदर्शन में आप खुद सुनिए उनके मुँह से। आपका बबीता मलिक, क्या नाम बेटे आपका? श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी, क्या तकलीफ रहती थी बच्ची को? इसको अस्थमा था। कब से था अस्थमा? बचपन से था। बचपन से था अस्थमा बेटे? हाँ जी। अच्छा, तो क्या इन्हें लड़ कितनी बार देते थे स्टेरॉइड? घंटे, कभी तो ज्यादा तबीयत खराब होती थी तो घंटे भर में, नहीं तो फिर नॉर्मल रहती तो चार बार दिन में। चार बार, ये कितने दिन से, मतलब बचपन से ही था इसको अस्थमा? हाँ जी बचपन से था। अच्छा, अब कितने महीने से दवाई खा रहे बेटे? 9 महीने से। 9 महीने से खा रहे हो यहाँ की दवाई। अब कितना आराम बेटे तुम्हें? बहुत आराम है। बहुत आराम है। अब कितना आराम पड़ा जी इसको? जैसे अब इसको 60-70% पड़ गया इसको। अभी पफ तो नहीं देते ना इसको? नहीं, पफ छूट गया इसका। पफ छूट गया काफी हद तक। अच्छा, और क्या इसको आराम मिला? इसको भी, इसका वेट बढ़ा है। अच्छा, वेट बढ़ा। 28 था जब लास्ट ट्रीटमेंट कराते यहाँ से, तो 28 था। हाँ जी, अब कितना है? अब हो रहा है इसका 36। अच्छा, मतलब 8 किलो वेट भी बढ़ा ना बच्ची का। हाँ जी, हाँ जी। तो एनर्जी कितनी आई इसको बच्चे को? काफी, अब तो काफी लगा, पहले तो कोई सांस ही नहीं आता था इसको। अच्छा जी, और अब तो इसको काफी रिलीफ है। अस्थमे की बीमारी बचपन से ही थी? हाँ बचपन से। घर में किसी और को भी है? नहीं नहीं, किसी को नहीं है। अच्छा, खाली इसी को? खाली इसी को ही थी। अच्छा अच्छा, तो बेटे अब तुम दौड़ कितनी लेती हो, कितनी देर दौड़ लेती हो? अब सांस चढ़ती है बेटे तुम्हें? पहले चढ़ते थे? हाँ। पहले चढ़ते थे। चलो बहुत अच्छा बेटे। चंद्रकला। कहाँ रहती हो चंद्रकला जी? ये अशोकनगर में, वहाँ सादरा अशोकनगर। बस ये सांस ही फूलता था, नजर लमन जाए। और की मतलब क्या, दमे की बीमारी थी? और कोई बीमारी नहीं, पहले दमे की बीमारी थी ना? नहीं, क्या बस सांस ही फूलता था। सांस ही फूलता था? हाँ। से नहीं। हाँ। तो अस्थमा किसने बताया था अस्थमा? ये तो ये मैडम ने दवाई दी, वो ये उसने लिखा होगा। अच्छा 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 अच्छा, सांस ही। कितने साल से बीमारी थी ये? जब ये दवाई करवाई उससे 8 साल पहले।
अच्छा आप कितने साल से दवाई खा रहे हो हमारे यहाँ से? ये इसमें तारीख ये देखो 8-2 साल हो जाएगी शायद। 2 साल हो गए ना, पर बीच में छूट जाती है ये नजला बनकर। अच्छा अच्छा, तो अब कितना आराम है आपको? मेरे को आराम तो बहुत है, पर ये ठीक नहीं होने देता नजला ही। अच्छा, ठीक नहीं होने देता। अच्छा, ये जो कब्ज की बीमारी थी आपको? कब्ज की तो मैं चूरन अब 3-4 दिन में लेती हूँ, ठीक जा रही हूँ। अच्छा, पहले कब्ज रहती थी ना आपको? हाँ, पहले रहती थी, अब ठीक हूँ। मैं पपीता वपीता खाती रहती हूँ, रोटी ज्यादा नहीं खाती हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब कितना बहुत अच्छा आराम है आपको यहाँ से? मैं चिकनाई तली हुई परांठा घी दूध दही सब छोड़ रखा है। अच्छा, मतलब कितना आराम पड़े आपको यहाँ की दवाई से? आराम मेरे बहुत है, और मैं कहीं की खाती भी नहीं हूँ यहाँ के अलावा जो शुरू करी है। अच्छा, इंग्लिश तो मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन ये मलगम में दुखी हो जाती हूँ जब ये कैप्सूल खाए मेरे को। क्या नाम आपका? पुष्पा। कहाँ रहते हो पुष्पा जी? शाहदरा। क्या तकलीफ थी आपको? मतलब घुटनों में दर्द था, शरीर में दर्द था। तो मैं जब से ये तुलसी अमृत पी रही हूँ तो काफी आराम है। अच्छा, मैं बीपी की गोली भी नहीं ले रही। नहीं, दर्द की कोई दवाई नहीं खा रही, यहीं से जो मतलब ले रही थी उसी दवाई से आराम है मुझे, काफी आराम है। काफी आराम है? हाँ जी। अच्छा, आप तो इनकी फ्रेंड हो, आप भी वही रहते हो? हाँ, मैं भी पी रही हूँ अभी, मेरे को ये छाती में इसमें बहुत आराम लगता है। अच्छा अच्छा, कभी कभी ऐसे दर्द रहता थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ, मेरे को इसमें बहुत आराम लगता है छाती में। अच्छा अच्छा, तो और क्या आराम पड़े आपको दर्दों में? कितना आराम है? काफी आराम है दर्दों में। अच्छा अच्छा, तुलसी अमृत पीने से ज्यादा मतलब फायदा होता है। अच्छा, फायदा होता है? हाँ, तो उसे मैं छोड़ती नहीं हूँ, और जब से मेरी दवाई चालू है जब से मैं पी रही हूँ। अच्छा, दर्द की भी दवाई खा रही हूँ ना? हाँ, दर्द की भी दवाई खा रही हूँ, क्यों मैं वैसे मंगवा लेती हूँ कोरियन से ही। कोरियन से मंगाते हो? हाँ। अच्छा अच्छा, बस यही है। चलो, बहुत आराम है, मतलब काफी आराम है। 6-7 cc खत्म होती है फिर मंगवा लेती हूँ मैं। ये कमल जी ने वही दे जाते हैं मेरी दवाई, कमल जी को पता है सब। मैं तो ऐसी दवाई कभी नहीं देखी, मेरे को इसमें बहुत बीमारी बढ़ जाती है अगर मैं ये सांस फूलने की नहीं खाती तो, मेरे को ज्यादा बीमारी बढ़ जाती। कहती मैडम कि ये दम्मा बन जाता है आखिर लास्ट में। अच्छा, डॉक्टर ये कहते थे ना? हाँ, ये डॉक्टर की बैठी थी। अच्छा अच्छा, तो मेरे को तो बहुत आराम लगा, लेकिन ये मेरा ये मलगम गड़बड़ कर देता है। हाँ डॉक्टर साहब, आपकी दवाई बहुत अच्छी है, और मैं आपकी दवाई खा रही हूँ, मैं कहीं से दवाई नहीं ले रही, यही की दवाई चल रही है मेरी, 2 साल हो गए। 3 लोगों को हमने आपको सुनवाया, जिसमें सबसे पहले थी एक छोटी सी बच्ची जिसको बचपन से ही दमे की परेशानी थी, ना स्कूल जा पाती थी ना सही से खेल पाती थी। ये उम्र बच्चों की खेलने खाने की होती है, लेकिन उसका वो लाभ ही नहीं उठा पाती थी, लेकिन 9 महीने से वो बंसल जी की दवाई का लाभ उठा रही हैं और आज पूरी तरह से सही है। उनकी मम्मी बता रही थी 70% उनको लाभ हो गया है। साथ ही साथ हमने दूसरी बाइट सुनी एक महिला की, जिनको डॉक्टर ने बता दिया था कि आपको दमे की परेशानी, हालांकि उनका सांस फूलता था लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपको दमा है, लेकिन वो भी अब सही है। तीसरी बाइट सुनी एक महिला की, जिनको जोड़ों में दर्द था, उनको परेशानी काफ़ी थी, अब उनके घर में भी सुख शांति है, उनके जोड़ों का दर्द भी सही है। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, बच्चों से लेकर जवान और बुजुर्ग सभी लोग लाभ उठा रहे हैं और सबको जबरदस्त फायदा मिल रहा है। देखो, अब ये बच्ची तो हर घंटे में जो ही निर्णय लेगा उसकी हालत क्या होगी, देखो सोचने की बात है। और 8 किलो इसका वेट भी बढ़ा है, मतलब बच्ची का वेट भी बढ़ा है, मतलब खाते खाते इतना इफेक्ट आएगा। अब सांस चढ़ता नहीं, अब खेलती है, दौड़ती है, कूदती है। पहले स्कूल भेजने में परेशानी होती थी क्योंकि 1-1 घंटे में निर्णय पफ देना पड़ता, स्टाइड ही थी, और उससे इतना बुरी हालत थी कि बहुत ज़्यादा बच्ची की करीज जीना चढ़ नहीं पाती। स्कूल में जो पहली सीढ़ी थी मतलब एक जीना चढ़ ही नहीं पाती थी, बैठ जाती थी बच्ची, ऐसा हालत था इसका। अब देख लो, अब मैं उसने मैं पूछा दौड़ती हो बेटे, बोले वो बता, तो बोली अब सांस ही नहीं चढ़ते। अब ये मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसकी मम्मी ने विश्वास किया, और देखो दोनों लेडीज बुजुर्ग लेडीज हैं, मतलब ज़्यादा अमीर भी नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वास करती है और खाती हैं दवाई। अब जबकि हमारी, मैं कहता हूँ बाद में तुम्हारी मैं बहुत ही सस्ती हो जाती है, अब सस्ती दवाई हो रही है ले रही हैं, अब कितना लाभ है आपके सामने है। मैं इसलिए मैं कहता हूँ कि वैदिक उपचार को एक बार अपना कर तो देखें, आपको आर्थिक भी लाभ मिलेगा, मानसिक भी और शारीरिक भी। और ये तो दोनों जो लेडीज बता रही थी कि घर में इतनी सुख शांति आई, बेटा भी काम करने लग गया, मतलब पैसे का धन का भी लाभ मिला, और जो पी रही थी अमृत आपने खुद ही सुन लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ वैदिक उपचार का पूरा सेट मंगाएं और खुद लाभ देखें। और अब तो दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में, तो देर किस बात की है, अपना फोन उठाइए और वैदिक उपचार को ऑर्डर कर डालिए, क्योंकि काफी सहायक सिद्ध होगा आपको सही करने में। शुक्रिया बहुत बहुत बंसल जी वैदिक उपचार बनाने के लिए और लोगों को सही करने के लिए। आपसे चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।
अगर कोई भी आपको और परेशानी है तो हम जल्दी अब शिविर लगाने लगे हैं, उन शिविरों का आप हिस्सा बनिए। उसमें आपको जो मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी योग की विद्या थी, योग के द्वारा तो भगवान को पाया जा सकता था। ये छोटी मोटी बीमारियाँ, ये जो दुख दर्द है, ये कैसे दूर हो, क्योंकि योग बहुत बड़ी साइंस है और जो हमारे वेदों में बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर हम वेदों का 10% भी हिस्सा करने लगें तो हमारे जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ सकता है। अब जो हमारे शिविरों के जो आगे विवरण जा रहे हैं तो आप अपने शहर में भी देख सकते हैं, तो उन शिविरों का हिस्सा बनिए और अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करिए। एहसास टीवी के कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर। वीडियोकॉन D2H के लिए 484 नंबर पर देख सकते हैं, सिटी पे 88 नंबर पर, हैथवे पे 827 नंबर पर, डेन पे 863 नंबर पर और फास्टवे के 415 नंबर पर अब आप अपना एहसास टीवी चैनल देख सकते हैं।